अब से लगभग 30 साल पहले दूरदर्शन पर महाभारत का प्रसारण शुरू हुआ था। ये हर रविवार को दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होता था। इस धारावाहिक के पात्र भारत के हर घर में चर्चा का विषय बन गए। महाभारत में दिखाई जाने वाली घटनाएं लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गई। बात अगर महाभारत के पात्रों के बारे में करें तो युधिष्ठिर, भीम और दुर्योधन व द्रौपदी वो किरदार थे जो महाभारत का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे। और आज हम आपको महाभारत की द्रौपदी की जिंदगी की कहानी बताने जा रहे हैं। महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का नाम है रूपा गांगुली। अब इनकी उम्र 55 साल हो चुकी है। 25 नवंबर 1966 को कोलकाता के कल्याणी इलाके में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही अभिनय की दुनिया में करियर बनाने का सपना संजोने वाली रूपा ने मुक्त बंध नामक एक बंगाली सीरियल से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। फिर दूरदर्शन के सीरियल गण देवता से इन्होंने पहली दफा किसी हिंदी भाषी सीरियल में काम करना शुरू किया। ये साल 1986 की बात है। मशहूर टीवी रियलिटी शो सच का सामना में रूपा गांगुली ने महाभारत के बारे में बात करते हुए कहा था कि महाभारत के बाद उन्हें बेहद चौंकाने वाला अनुभव हुआ था। रूपा को उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका महाभारत के बाद लगा था। रूपा ने बताया कि वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं थी, इसलिए वो डगमगाई नहीं। बकौल रूपा, अपने 24 साल के अभिनय करियर में उन्होंने कभी किसी से काम नहीं मांगा। साल 1992 में रूपा ने ध्रुव मुखर्जी नाम के एक मैकेनिकल इंजीनियर से शादी की थी, लेकिन 2007 यानी शादी के 14 सालों के बाद वो अपने पति से अलग रहने लगी थी। फिर जनवरी 2009 में इन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया था। सच का सामना नामक उस शो में रूपा ने बताया था कि वो अपने पति से रोज रोज होने वाले झगड़ों से परेशान हो चुकी थी। उन झगड़ों की वजह से रूपा ने 3 दफा सुसाइड का प्रयास भी किया था। आपको बता दें कि अपने पति से तलाक लेने के बाद रूपा अपने प्रेमी दिव्येंदु के साथ मुंबई में रहने लगी थी। बताया जाता है कि दिव्येंदु रूपा से 13 साल छोटे हैं। रूपा कहती है कि दिव्येंदु की वजह से ही वो कोलकाता से वापस मुंबई आई थी। दिव्येंदु ने ही रूपा को दोबारा से काम करने के लिए प्रेरित किया था। रूपा ने यह भी बताया कि महाभारत के चीरहरण सीन को शूट करने के बाद वो रोए जा रही थी, लेकिन फिर डायरेक्टर ने उन्हें किसी तरह चुप कराया। आपको बता दें कि रूपा ने साल 2015 में बीजेपी ज्वाइन की थी। रूपा अब राज्यसभा सांसद हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफा देने के बाद रूपा गांगुली को सांसद बनाया गया था।